गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साउथचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पांचवा पार्ट आंतरिक शिखर द समिट विद इन का हिंदी ट्रांसलेशन करने के बाद हमने कुछ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन वाले प्रश्न जो है वो तीन चार प्रश्न किए थे। उसके बाद इस पाठ के कुछ वर्किंग विथ टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस जो है आज हम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी थी, इनके उत्तर ढूंढने की और उनको पेंसिल से करने का प्रयास करना था। जिसके पास टेक्स्ट बुक है, हालांकि सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी और नहीं है तो लानी है अनिवार्य रूप से, जिससे कि आपके सामने होगी किताब तो आपको समझ में आसानी से आएगा। तो आपने प्रयास किया होगा, जिसने प्रयास किया है वो अपने आंसर का, आज जो मैं आंसर जो है वो आपको लिखवाने जा रहा हूँ उनसे मिलाए, आपकी कहाँ गलतियाँ जो है वो हो रही है उनमें सुधार करें और फिर उसके बाद उसको जो है वो सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखने का प्रयास करें। पहले तो हम जो है वो प्रश्न क्या पूछा गया है आपको और फिर उसको पाठ के अनुसार उसका आंसर क्या हो सकता है, पाठ में इसके लिए क्या लिखा है, कहाँ लिखा है तो क्या उत्तर हो सकता है, उसको पाठ के अनुसार अपने समझ के अनुसार जो है उनको समझने का प्रयास करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न और उत्तर का भी जो है वो ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो एक एक करके हम जो है वो इसका प्रश्न और फिर जो है वो उसका उत्तर देने का प्रयास प्रारंभ करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न जो है जिसमें आपको पूछा गया है, फर्स्ट प्रश्न है व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड मेजर रोल इन द ऑथर्स लाइफ। देखो, पाठ जब हमने पढ़ा तो इसके शुरुआत में लेखक ने तीन गुण बताए थे, पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने के लिए व्यक्ति में तीन गुण का होना आवश्यक होता है, तीन क्वालिटीज का जो होना आवश्यक होता है और वही गुण जो है वही क्वालिटीज इस लेखक में होगी। तो आपको क्या बताना है, प्रश्न पूछा है कि लेखक में ऐसे कौन से तीन गुण थे जिन्होंने उसके उस लेखक के उस चढ़ाई में मुख्य भूमिका अदा की, मुख्य भूमिका निभाई, ऐसे तीन गुण जो है वो लेखक में क्या थे। तो इन गुणों का उल्लेख जो है वो लेखक ने शुरुआत में, इस पाठ की शुरुआत में कहा था कि जो व्यक्ति पर्वत शिखर पर चढ़ना चाहता है, चढ़ाई करना चाहता है, उसमें तीन गुणों का होना आवश्यक है, जिसमें उसने बताया था एंड्यूरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तीन गुण जो है वो व्यक्ति में होने जरूरी थे, तो वे तीन गुण लेखक में थे, इसलिए उन गुणों ने ही जो है वो उसकी चढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका, मेजर रोल निभाया होगा। तो प्रश्न पूछा है कि लेखक में ऐसे कौन से तीन गुण थे जिन्होंने उसके चढ़ाई में, एवरेस्ट की चढ़ाई में मुख्य भूमिका निभाई। तो आंसर इसका होगा द राइटर हैज क्वालिटीज, लेखक में गुण थे एंड्योरेंस, एक गुण था उसमें एंड्योरेंस का, ENDURANCE, इसका मैंने आपको स्पेलिंग और इसका मीनिंग जो है भी लिखवा दिया था, सहन शक्ति, ठीक है। फिर है परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता, ठीक है। तो एक गुण हो गया एंड्यूरेंस, दूसरा गुण हो गया परसिस्टेंस और तीसरा गुण जो इसका था एंड विल पावर, और विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है। तो ये हो गया तीन नंबर।
विल पावर दैट एंड मेजर ऑल इन हिज लाइफ। तो ये तीन गुण थे लेखक में, तो उत्तर ये बनेगा द राइटर हैज क्वालिटीज ऑफ एंड्योरेंस परसिस्टेंस एंड विल पावर दैट एंड मेजर ऑल इन हिज लाइफ। लेखक में तीन गुण थे सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति, इन्होंने उनकी चढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, Why is adventure which is risky also pleasurable? मतलब ये हुआ इसका साहसिक कार्य which is risky जो कि जोखिमपूर्ण होता है, साहसिक कार्य है तो जोखिमपूर्ण होना ही है, साहसिक कार्य जो जोखिमपूर्ण होता है also pleasurable तो वह आनंद देने वाला भी क्यों होता है? साहसिक कार्य जोखिम भरा होता है वो आनंद देने वाला भी क्यों होता है, उससे आनंद भी क्यों आता है? होता तो उसमें जोखिम होता है, रिस्क लेती है, लेकिन फिर भी वो आनंद देने वाला क्यों होता है? तो इसको आपको जो है इसका उत्तर देना है। अगर आपको इस पार्ट को समझ पाया है, इसको ट्रांसलेशन को समझ पाया है, तो एक बार इस पार्ट में जो है उल्लेख था कि इंसान की ये आदत होती है, इंसान का ये नेचर होता है, इंसान का ये स्वभाव होता है कि उसको खतरों से खेलना अच्छा लगता है, जोखिमपूर्ण कार्यों को करना उसको अच्छा लगता है, रिस्क लेना उसको अच्छा लगता है, किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को करके उसमें विजय प्राप्त करने में व्यक्ति को आनंद आता है, ऐसा पाठ में लिखा। साहसिक कार्य तो जोखिमपूर्ण होते हैं, उसमें आनंद भी क्यों होता है? सीधी सी बात है कि इंसान को उसमें जो है वो आनंद आता है जोखिमपूर्ण कार्य में। एवरी एडवेंचर इज रिस्की, सभी साहसिक कार्य जो है जोखिमपूर्ण होते हैं, सीधी सी बात है। साहसिक कार्य अगर रिस्की नहीं है, जोखिमपूर्ण नहीं है, तो वो साहसिक कार्य नहीं है। यस पीपल फाइंड प्लेजर इन इट, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इसमें आनंद प्राप्त करते हैं, लोगों को इसमें आनंद आता है उसके स्वभाव के अनुसार, क्योंकि लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। इट इज बिकॉज इट गिव्स देम अ सेटिस्फैक्शन, और ये ऐसा इस कारण से होता है कि इससे इस प्रकार की जोखिमों को पार करने से उनको एक संतुष्टि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, उनको संतुष्टि होती है। और संतुष्टि किस किस बात की होती है, कैसी संतुष्टि होती है उनको? संतुष्टि होती है शारीरिक फिजिकल, दूसरी संतुष्टि उसको होती है इमोशनल भावनात्मक, और तीसरी संतुष्टि जो है उसको आध्यात्मिक स्तर की भी होती है। ये संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, इसलिए जोखिमपूर्ण कार्य जो है उनको जोखिमपूर्ण होते हुए भी, साहसिक कार्य जो है जोखिमपूर्ण होते हुए भी लोग उनको उनको करने में आनंद आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, वाज इट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इज इररेसिस्टेबल? मतलब माउंट एवरेस्ट में उसकी चढ़ाई में या माउंट एवरेस्ट की परिस्थिति में ऐसा क्या था जो प्रतिरोध योग्य नहीं था, जिसका लेखक जो है प्रतिरोध नहीं करता, ऐसा क्या अच्छा लगा उसको? कहने का मतलब लेखक को उसमें आनंद क्यों आया, ऐसा माउंट एवरेस्ट में क्या था जिससे कि लेखक को जो है वो आनंद आया, उसका प्रतिरोध वो नहीं कर सका? तो लिखा है माउंट एवरेस्ट की विशेषता बताइए। माउंट एवरेस्ट बाय इट्स ब्यूटी, एक माउंट एवरेस्ट जो है वो इसकी सुंदरता, अलूपनेस, एकांतता, वहां पर लोग जो है बहुत कम होते हैं, एकांत में है, लोगों की वहां बसावट नहीं है। माइट शक्ति, रिजिडनेस ऊबड़ खाबड़पन, एंड डिफिकल्टीज एनकाउंटर, और इसका सामना करने में, इसकी चढ़ाई करने में आने वाले प्रेशर ऑन द वे, द
ड्यू द ऑथर्स टू इट, इन सभी ने लेखक को अपनी ओर आकर्षित किया, इन सभी चीजों में माउंट एवरेस्ट की इन सभी चीजों ने लेखक को इस पर चढ़ने के लिए आकर्षित किया। इट वॉज द चैलेंज टू हिम, ये उसने इन परिस्थितियों ने इन चीजों ने लेखक के सामने एक चुनौती पेश की, एक चुनौती पेश की। ही फाउंड दिस चैलेंज इरेसिस्टिबल, और इस चैलेंज का जो चुनौती इन परिस्थितियों के द्वारा उस माउंट एवरेस्ट की परिस्थितियों के द्वारा लेखक के सामने उपस्थित की गई, इन परिस्थितियों का या इन चुनौतियों का लेखक जो है वो प्रतिरोध नहीं कर सका, विरोध नहीं कर सका, और उसको इनका सामना करना पड़ा, और वो जो है वो शिखर पर चढ़े उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो ये जो है वो तीन प्रश्न जो है वो हमने किए, तीनों का आंसर बिल्कुल छोटे उत्तर है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और आसान से उत्तर है। स्टोरी जिसने ध्यान से सुनी है, समझी है, या प्रयास जिसने किया है ट्रांसलेशन करने का, उनको इन प्रश्नों के उत्तर देने में और इनके उत्तरों को ढूंढ निकालने में या इनके उत्तरों को अपने दिमाग में तुरंत लाने में परेशानी नहीं होगी और नहीं हुई होगी, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया, केवल सुना है और रख दिया है, उनके लिए जो है थोड़ा सा जो ऐसे लगेगा कि सर ने कहाँ से लिखा है, तो हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस, आप स्वयं प्रैक्टिस करें और सुने, वीडियो लेक्चर को सुने, जब ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो सुने, ध्यान से सुने, एकाग्रचित होकर एक एकांत में जाकर के व्यवस्थित रूप से अकेले बैठ कर के, पास में कोई शोरगुल न हो, शांतचित होकर के आराम से उस चीज़ को सुने, तो आपकी समझ में आएगी, विषय वस्तु समझ में आएगी, तो प्रश्न अवश्य समझ में आएंगे और आप उनके आंसर जो है वो आसानी से दे पाओगे। तो आप आगे प्रयास करते रहें, कुछ बच्चे जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे करें ऐसा काम, सभी बच्चे जो है वो पूरे मनोयोग से जो है वो ये कार्य करें और समझने का प्रयास करें, जिससे कि आपको जो है इसमें फायदा होगा, पाठ आपको समझ में आएगा, विषय वस्तु समझ में आएगी, और इसके साथ आपके जो है वो ये कई शब्द ऐसे सामने आएंगे जो आपने पहले देखे नहीं हैं, तो उन शब्द को भी जो है आप समझेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, तो इससे कई फायदे जो है वो आपको होने वाले हैं। तो आप प्रयास करें, सच्चे मन से प्रयास करें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, लिखते समय जैसा मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से लिखना है उसका, उसको भूले नहीं, उस हिसाब से काम करें, निखार अपने आप राइटिंग में आता जाएगा। कई बच्चों की राइटिंग में जो है सुधार हुआ है और कई बच्चों की राइटिंग में जो है वो सुधार हो भी रहा है, तो मैंने कहा उसी अनुसार लिखने का प्रयास साथ में करते रहें, और इन तीन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको जूम करके जो है वो बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में काम करें। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहाँ से इसके पीछे जितने प्रश्न रहे हैं वो प्रश्न नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।